Hello everyone, this is Dipen Dilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhas Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning, which is offered by GTU in third semester Civil Engineering branch. The subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 3, building planning and working drawing. We was discussed in the previous lectures building services, various types of the building services like a water supply, drainage, electrification, solid waste disposal, gas supply, solar water heater, air cooling, air conditioning system, telecommunication system, television cabling, internet data communication, so many building services here discussed in the previous lecture, and also discuss in the various types of the water supply system in the buildings. In this system is a various of a three types of the system are already discussed. In the first is a piping system using direct supply, second piping system using overhead tank, and third one piping system using underground overhead tank supply. Here discussion in the first method, piping system using direct supply. हमने देखा था कि भाई जो ये सिस्टम है उसमें डायरेक्टली जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, सॉरी म्यूनिसिपल जो पानी आ रहा है वो डायरेक्टली हाउस होल्ड पे हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फुल प्रेशर आ रहा था, उसमें टोटली ये कंडीशन थी वो पहले से फिक्स थी भाई, उसमें 24/7 पानी आना चाहिए और उसका जो भी प्रेशर है वो पूरा आना चाहिए। फिर हमने सेकंड मेथड में देखा था कि ओवरहेड टैंक, यानी कि जो भी हमारा वाटर सप्लाई आ रहा है कॉरपोरेशन थ्रू, ठीक है, कॉरपोरेशन की जो भी लाइन हमारे हाउस होल्ड पे अटैच हो रही है उसमें क्या है कि कोई आवर्स बेस आ रहा है या तो कोई मीटरिंग सिस्टम थ्रू पानी आ रहा है, यानी कि भाई 2 घंटे आ रहा है या तो फिर ड्यूरिंग डे 3 आवर्स आ रहा है या तो फिर 4 आवर्स आ रहा है, तो वो पानी हम ओवर टैंक में ले जाते थे और वहीं से ही हम सप्लाई करते थे ड्यूरिंग दी 24 आवर्स, ठीक है। तो उसमें ये मेथड थी, और जो थर्ड मेथड थी उसमें बोथ दी मेथड इंक्लूडिंग थी कि भाई अंडरग्राउंड एक टैंक होगा और एक ओवर टैंक होगा। अगर मान लो कि आपके पास जो म्यूनिसिपल वाटर आ रहा है वो 2 घंटे आ रहा है, तो वो 2 घंटे आप पानी को क्या करोगे, डायरेक्टली उतना प्रेशर नहीं है वाटर में कि वो डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर पे जाके वो स्टोर हो सके, तो उसके चलते आप क्या करते थे कि आप जो अंडरग्राउंड टैंक रहता था उसमें आप स्टोर करते थे, और जो जब पानी नॉन वाटर सप्लाई आवर्स है उसमें क्या करते थे कि अपना पर्सनल कोई बोरवेल सिस्टम होगा उसमें से पानी लेके उसमें डालते थे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, और वहीं से अंडरग्राउंड वाटर टैंक थ्रू कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म थ्रू पानी को आप ले जाते थे ओवर टैंक। तो ये कुछ मेथड थी उसमें, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करने, देखो ये फिगर हो गई उसकी कि भाई यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल वाटर है और यहाँ पे वाटर मीटर रखा है और डायरेक्टली यहाँ पे फिक्सर्स को अटैच किया हुआ है, कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ओवर टैंक नहीं है फर्स्ट मेथड में, ठीक है। अभी मान लो कि हम सेकंड मेथड की बात करें, अगर तो सेकंड मेथड में देखो यहाँ पे ओवर टैंक है और ओवर टैंक थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो हमारा थर्ड मेथड था तो थर्ड मेथड में यहाँ पे ओवर टैंक भी दी रखी थी और यहाँ पे अंडरग्राउंड में टैंक भी यहाँ पे दे रखी थी, और यहाँ पे दोनों जगह पे वाल प्रोवाइड किए है, एक ओपन वाल होगा और एक नॉन रिटर्न वाल होगा कि जो भी सक्शन हो रहा है वाटर का उसमें से पानी रिटर्न नहीं होगा। अभी हम देखने जा रहे हैं हाउस ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें क्या है कि देर आर द फोर प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग फॉर ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या है कि अभी जो हमने देखी वो सिस्टम थी वाटर सप्लाई की, लेकिन जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो हाउस ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारा प्लम्बिंग, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट है, किचन में से कोई वेस्ट आता होगा, कोई यूरिनल में से वेस्ट आता होगा, ठीक है, कोई बाथरूम में से वेस्ट आ रहा होगा, तो उसी के चलते हमको डिजाइन करना था कि भाई इसमें हम किस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो वन बाय वन हम एक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मान लो कि सिंगल स्टेप सिस्टम हो गई तो उसमें किस हिसाब से यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे डबल स्टेक सिस्टम हो गई तो उसमें किस हिसाब से यहाँ पे रहेगा, तो वो हम एक वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सिंगल स्टेक सिस्टम, सेकंड है पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम, थर्ड वन है वन पाइप सिस्टम, और फोर्थ वन है टू पाइप सिस्टम, ठीक है। तो हम सभी सिस्टम को एक बाय एक देखते हैं कि ऑल दी फोर सिस्टम आर शोन इन डायग्रामेटिकली, ठीक है। यहाँ पे उसका सभी का डायग्राम दिखाया गया है कि भाई मान लो कि सिंगल स्टैक सिस्टम हम लेते हैं तो उसमें किस हिसाब से है, तो यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स दिए गए हैं
ही ओनली सिंगल पाइप एक्ट एज अ सोइल पाइप, वेस्ट पाइप एंड वेंटिलेशन पाइप। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ओनली सिंगल पाइप एक्ट, जो सिंगल पाइप है वो किस हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो एक तो सोइल पाइप का फंक्शन है वो मैनेज कर रहा है, फिर वो वेस्ट पाइप का भी फंक्शन मैनेज कर रहा है, और वेंटिलेशन पाइप का भी फंक्शन मैनेज कर रहा है। दिस सिस्टम इज अ पुअरली वेंटिलेटेड सिस्टम, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटेड सिस्टम प्रोवाइड की गई नहीं है, ठीक है, तो ये पुअरली वेंटिलेटेड हो गई। इट इज अ सिंपल सिस्टम एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ये सिस्टम जो भी बनाई है हमने वो सिंपली है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास कोई जो भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स है वो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, तो आप ये सिस्टम अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स है वो ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो ये सिस्टम वहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगी। फिर उसने ऐसा बोला है कि रिस्क ऑफ वाटर सील ब्रेकिंग इन द टैप इज हाई बिकॉज ऑफ ए इंड्यूस्ड साइफोनेज एक्शन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि वाटर का जो भी हमने सील दे रखा है, जहाँ पे भी फिक्सर्स का कनेक्शन आ रहा है, तो उसमें ब्रेकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी साइफोनिक एक्शन क्रिएट होगी तो वहाँ पे नेगेटिव एयर प्रेशर जनरेट होगा, और उसके चलते वहाँ पे वो प्रेशर थ्रू ब्रेक होगा जो भी हमने सील दे रखा है पाइप के कनेक्शन में, पाइप के फिक्सर्स में, तो वहाँ पे वो क्या होगा, ब्रेक होगा। वेस्ट और एयर ऑफ द वेस्ट पाइप में भी फोर्स अप ड्यू टू द बैक प्रेशर, यहाँ पे जो भी बैक साइड में जो नेगेटिव एयर प्रेशर जनरेट होगा उसके चलते यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि सिंगल स्टैक सिस्टम है अगर प्लम्बिंग की, तो यहाँ पे देखो एक मेन होल्स होगा कि जहाँ पे हमारा एंट्री है, या तो फिर उसके पैसेज में ही एक मेन होल दिया गया होगा, या तो फिर आउटसाइड ऑफ दी एंट्री, यानी कि वो स्ट्रीट हमारी जहाँ पे भी पड़ती है, हमारा जहाँ पे भी एंट्री का गेट पड़ता है वहीं पे एक मेन होल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा। फिर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसमें यहाँ पे टब है, फिर यहाँ पे वॉश बेसिन हो गया दोनों साइड, यहाँ पे किचन कोई वेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू सी वाटर क्लोजेट का कोई वेस्ट है, और यहाँ पे रूफ आ गया है। तो यहाँ पे जो भी सभी का कनेक्शन है एक ही पाइप में पूरा दिया गया है, अगर किचन में से आ रहा हो, वाटर बेसिन में से आ रहा हो, या तो फिर वाटर क्लोजेट में से आ रहा हो, सभी के लिए एक ही कनेक्शन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स दिया गया है। कोई अलग से पाइप की अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं की गई है, अलग से वेंट पाइप प्रोवाइड नहीं किया गया है, अलग से नाइट सॉइल पाइप यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो सारी जो भी फंक्शनैलिटी है वो एक ही पाइप में खत्म हो रही है, ठीक है। तो यह वेस्ट वाटर पाइप हो गया कि इसमें ही सभी, तो इसीलिए इसको बोला है कि दिस इज द पुअरली वेंटिलेटेड सिस्टम, ये जो भी साइफोनिक एक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा उसके लिए वो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन देखो नहीं बताया गया, ठीक है, उसके लिए अलग से पाइप यहाँ पे नहीं दिखा गया, तो उसके चलते ये पुअरली वेंटिलेटेड हो गया, और उसी के चलते यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेगी। तो ये हो गए सिंगल स्टैक सिस्टम। अभी हम देखने वाले हैं पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम, यानी कि हाफ वेंटिलेटेड सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या रहेगी, ओनली वाटर क्लोजेट ट्रैप्स आर वेंटिलेटेड, ओनली वाटर क्लोजेट जो डब्ल्यूसी है वही यहाँ पे वेंटिलेटेड रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, और कुछ यहाँ पे वेंटिलेटेड नहीं है, यहाँ पे बाथ वेंटिलेटेड नहीं है, बाथ के जो भी ट्रैप्स है वो भी वेंटिलेटेड नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, किचन के जो भी वॉश बेसिन और जो भी सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे वेंट पाइप उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओनली ऑन डब्ल्यूसी यानी कि वाटर क्लोजेट है वही यहाँ पे वाटर क्लोजेट ट्रैप्स है वही यहाँ पे वेंटिलेटेड पाइप से कनेक्टिंग है। दिस इज द इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम आप इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाटर सील ऑफ 75 mm और मोर, यहाँ पे जो भी आप फिक्सर्स को सील दे रहे हैं उसकी जो थिकनेस की अगर बात करें तो मोर देन 75 या तो फिर इक्वल टू 75 आप ले सकते हैं। इट हैज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पाइप, यहाँ पे अरेंजमेंट इसकी सिंपल है, वो ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी कंजेस्टेड नहीं है। देखो हम फिगर में अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे म्यूनिसिपल सीवर थ्रू इंटरसेप्टर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक लार्ज सीवर लार्ज डायमीटर की कोई सीवर पास हो रही है, आपकी ये स्ट्रीट है, ठीक है, आपकी ये स्ट्रीट में से कोई लार्ज डायमीटर की सीवर पास हो रही है, तो उसी पे क्या होगा कि ये जो पाइप है ना उसका पूरा कनेक्शन उसको दिया गया होगा डायरेक्टली, यहाँ पे एक मेन होल चैम्बर्स होगा और मेन होल चैम्बर्स में से यहाँ पे या तो फिर डायरेक्टली कनेक्शन यहाँ पे दिया गया होगा, तो उसमें कौन कौन से वेस्ट आएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हो गया सोइल पाइप, ये जो पूरा पाइप जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं सोइल पाइप। क्यों हम सोइल पाइप बोल सकते हैं,
ओके, एक तो इसमें जो भी है वो सिंक मैसेज को कोई भी वेस्ट आएगा, ठीक है, तो ये भी इसमें ही पेनिट्रेट होगा। बाथरूम के ट्रैप्स में से कोई वेस्ट आ रहा है तो ये भी उसमें ही आगे बढ़ेगा। फिर वॉश बेसिन में से कोई वेस्ट आएगा, सॉलिड वेस्ट है, या तो फिर कोई भी ऐसे सोप का जो भी वेस्ट है तो ये भी उसमें आगे बढ़ेगा। और वाटर क्लोजेट का जो भी सॉलिड योर लिक्विड वेस्ट है वो भी इसमें ही आगे बढ़ेगा। तो इसको सोइल पाइप बोल सकते हैं, इसीलिए इसको बोला है कि पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी वॉश वाटर क्लोजेट का जो भी ट्रैप्स है वही यहाँ पे वेंटिलेटेड पाइप से कनेक्टिंग है। यहाँ पे सिंक कनेक्टिंग नहीं है, बाथरूम का ट्रैप्स कनेक्टिंग नहीं है, वॉश बेसिन कनेक्टिंग नहीं है, ओनली फॉर वाटर क्लोजेट ट्रैप्स ही यहाँ पे वेंटिलेटेड केक डोम। देखो यहाँ पे दिया दिखाया गया है फॉल जो गैसेज, जो खराब दुर्गंध वाले जो भी गैसेज है, ठीक है, वो यहाँ वेंट पाइप थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वो एनवायरमेंटली स्प्रेड हो गए, ठीक है। तो ये ओनली फॉर वाटर क्लोजेट ही यहाँ पे कनेक्टिंग है। और यहाँ पे सोइल पाइप दिखाया गया है कि भाई जो भी सुलेज वेस्ट आएगा वो भी ये कैरी करेगा, और कैरी करते जो भी यूरिनल वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, वो भी इसमें ही कैरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली वो जो म्यूनिसिपल सीवर है उसमें से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका डायमीटर बट ओबियसली वो ज्यादा होगा, इसको हम सब मेंस बोल सकते हैं, और यहाँ से एक स्ट्रीट में से मेंस पास हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई जो पार्शली वेंटिलेटेड सिस्टम है, इसमें इस हिसाब से कुछ यहाँ पे प्लानिंग रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी थर्ड सिस्टम है वन पाइप सिस्टम है, तो उसमें क्या रहेगा कि भाई सिंगल पाइप सिस्टम है। इट इज अ क्लियरली फॉर्म द स्टडी ऑफ ए स्केच ऑफ दिस सिस्टम दैट इज कंपेरिजन टू सिंगल स्टैक सिस्टम। ए सेपरेट वेंट पाइप इज प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम। यहाँ पे जो पाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें क्या था, उसमें एक तो दिया गया था, जो सेकंड मेथड हमने देखी पार्शियली वेंटिलेटेड, उसमें एक ही मेथड, एक ही वाटर क्लोजेट से वो कनेक्टिंग था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेपरेटली कनेक्टिंग है, यानी कि वो ट्रैप्स वाटर बेसिन या तो फिर सिंक आ रही है तो उससे भी कनेक्टिंग होगा, बाथ के ट्रैप से भी कनेक्टिंग होगा, वॉश बेसिन से भी कनेक्टिंग होगा, और वाटर क्लोजेट आ रहा है तो उससे भी यहाँ पे कनेक्टिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि ये सेपरेट वेंट पाइप इज प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इस हिसाब से है क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी एलिमेंट्स है, प्लम्बिंग एलिमेंट्स, उसको सारे को यहाँ पे कनेक्शन देना है, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पे वो क्या होगा कि ये थोड़ा कंजेस्टेड है या तो फिर डिफिकल्ट टू है। और थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड टू सुलेज पाइप एंड सोल पाइप इज टू, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आगे की सेकंड मेथड देखी थी उसमें एक ही वाटर क्लोजेट से ही कनेक्टिंग था वेंटिलेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुलेज पाइप एंड सोइल पाइप दोनों से यहाँ पे कनेक्टिंग होगा। फिर इसने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ पाइप वर्क इज डिफिकल्ट। यहाँ पे पाइप की जो अरेंजमेंट है वो तो डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि सेपरेटली कनेक्टिंग है, तो हम फिगर में ही डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये प्रीवियस ने हमने जैसे देखा वहां पे वैसे ही यहाँ पे नाइट सोइल पाइप प्लस सुलेज पाइप और कैरी टू जो भी मेनली स्ट्रीट सीवर है उसमें से पानी पास होगा, या तो फिर जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो भी यूरिनल वेस्ट है, वो यहीं से ही आगे बढ़ेगा। तो यहीं तक कॉमन है। और अभी क्या है कि देखो हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर आ गया। सेकंड फ्लोर में यहाँ पे वाटर क्लोजेट है, ठीक है। तो वाटर क्लोजेट यहाँ पे वेंट पाइप से कनेक्टिंग है, फॉल गैसेस है उससे कनेक्टिंग। फिर यहाँ पे वॉश बेसिन आ गया, तो वॉश बेसिन है वो भी डायरेक्टली वेंट पाइप से कनेक्टिंग है। यहाँ पे बाथ आ गया, तो बाथ में से भी यहाँ पे डायरेक्टली वेंट पाइप से कनेक्टिंग है। यहाँ पे सिंक आ गई, किचन की कोई सिंक है या तो फिर ट्रैप्स है, तो वो भी यहाँ पे वेंट पाइप से कनेक्टिंग है। तो इसी के चलते हम बोल सकते हैं कि ये सेपरेट वेंट पाइप इज प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम, एंड वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड सुलेज पाइप एंड ऑल्सो टू सोइल पाइप, ठीक है। यहाँ पे दोनों से ये कनेक्टिंग है, इसी के चलते हम बोल सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि जिसमें से जो भी नेगेटिव फॉल गैसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं तो उसी के चलते यहाँ पे प्रॉपरली वेंटिलेशन पाइप को कनेक्टिंग किया गया है, और यहाँ पे जो खराब जो भी फॉल गैसेस है, ठीक है, उसकी जो भी दुर्गंध है वो कोई भी रूम के एलिमेंट से वहाँ पे पास नहीं होगी, वो डायरेक्टली फॉल गैसेस वो सेपरेट हो जाएंगे, वो वेंट पाइप थ्रू बाहर निकल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गई, और डायरेक्टली जो भी वेंट पाइप है वो यहीं पे भी कनेक्टिंग होगा क्योंकि कभी कभी वो नेगेटिव साइफोनिक एक्शन यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। तो साइफोनिक एक्शन जब भी क्रिएट होती है या तो फिर यहाँ पे
उसका जो भी लेवल है वहां से भाई वो सॉलिड वेस्ट आगे बढ़ जाता है, या तो फिर साइक्लोनिक एक्शन थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ता है जो भी यूरिनल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। तो यहाँ पे ये पाइप थ्रू, वेंट पाइप थ्रू यहाँ पे कनेक्टिंग रहेगा। और जब भी वो, क्योंकि यहाँ पे देखो वहां पे एक ही वाटर क्लोजेट ही कनेक्टिंग था, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट कनेक्टिंग है तो साइफोनिक एक्शन ज्यादा रहेगी। तो उसी के चलते ये उसमें मान लो कि एक्स्ट्रा कोई आ गया तो यहाँ पे वो पास होकर नाइट स्वेल पाइप में से कैरी हो जाएगा और आगे सीवर, मेन सीवर है उसमें आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम हो गई कि भाई देखो ये काम कैसे करती है कि इसको बोला जाता है वन पाइप सिस्टम, लेकिन इसमें टोटली वो अलग से आ जाता है। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं टू पाइप सिस्टम। तो उसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें जो भी वेंट पाइप है और सोयल पाइप है वो दोनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसका जो भी फंक्शन है वो सेपरेटली किया गया है। तो देखते हैं कि वाटर क्लोजेट, बाथ ट्रैप्स, किचन ट्रैप्स एंड वॉश बेसिन ट्रैप्स ऑल आर कनेक्टेड टू दी वेंट पाइप। ठीक है, ये जो भी वाटर क्लोजेट रहेगा, बाथ ट्रैप रहेगा, किचन ट्रैप्स रहेगा, वॉश बेसिन रहेगा, ठीक है, वो क्या, तो कि वो वेंट पाइप से डायरेक्टली कनेक्टिंग हो गए। सेपरेट सोयल पाइप एंड वेस्ट पाइप आर प्रोवाइडेड। ठीक है, एक तो सोयल पाइप अलग है और वेंट पाइप अलग है। देखो यहाँ पे वेंट पाइप आ रहा है, यहाँ पे सोयल पाइप आ रहा है, ये दोनों ही अलग किए गए हैं। टू वेंट पाइप आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे वेंट पाइप है ना वो टू प्रोवाइड किए गए। एक तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो आ गया वो अलग से आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों अलग अलग से प्रोवाइड किए गए हैं। देर आर द फोर स्टेक इन दिस सिस्टम। तो टोटली यहाँ पे पाइप की अरेंजमेंट कितनी हुई, एक ये हो गई फॉल गैसेस के लिए और ये भी फॉल गैसेस के लिए, ये दो सिस्टम और एक वेंट पाइप और एक सोइल पाइप। तो टोटल मिला के कितनी सिस्टम हुई, तो कि टोटल फोर स्टेक सिस्टम यहाँ पे हो गए। इट इज इफिशियंट सिस्टम बट कॉस्टलियर देन द अदर सिस्टम। ये मेथोडोलॉजी इफिशियंट है। अगर मान लो कि आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर एलिमेंट है, प्लम्बिंग सिस्टम ज्यादा आ रही है, तो यह सिस्टम है वो इफेक्टिव है, लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे ये सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक स्ट्रीट सीवर है उसमें से ही यहाँ पे जो भी सोइल पाइप आ रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है। फिर यहाँ पे जो भी हमारा वेंट पाइप था, कि जो भी फॉल गैसेस थे वो वाटर क्लोजेट में से आ रहे हैं, वो उसको अलग से कनेक्शन दिया गया है कि उसमें अदर कोई जो भी एलिमेंट्स है उसके गैसेस है वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो गए। तो किसके हो गए, ओनली फॉर जो भी वाटर क्लोजेट है, तो उसी के ही चलते उसका जो भी गैस है वो यहीं पे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से नाइट सोइल पाइप और सुलेज में यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, उसमें से ज्यादा कोई सॉलिड वेस्ट है वो आगे बढ़ेगा, तो इसमें से पेनिट्रेशन होके वो मेनली सीवर में यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक तो साइफोनिक एक्शन कम हो जाएगी इसका सेपरेट पाइप होने की वजह से, और यहाँ पे दूसरी बात ये हो गई कि भाई यहाँ पे सिंक आ गई, बात आ गए, बात के जो भी ट्रैप्स है, वॉश बेसिन के ट्रैप्स है, उसको तो एक वेस्ट पाइप दिया गया ही है अलग से, और उसका जो भी वेंट है वो उसको भी अलग से बताया गया है कि उसमें से जो भी फॉल गैस क्रिएट हो गए वो अलग से दिखाए गए हैं। तो ये सिस्टम के लिए टोटल फोर बनती है, फोर स्टेक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे फोर स्टेक सिस्टम बनती है, और फोर स्टेक सिस्टम के चलते यहाँ पे कोई साइफोनिक एक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये मेथड थोड़ी कंजेस्टेड मेथड है और कॉस्टलियर भी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्लम्बिंग सिस्टम या तो फिर ड्रेनेज सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउस ड्रेनेज प्लान। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक टिपिकल प्लान बताया गया है कि भाई अगर मान लो कि एक स्मॉल हाउस है तो उसमें जो भी हम ड्रेनेज अरेंजमेंट करते हैं तो उसको किस हिसाब से बताया गया होगा कि मान लो कि भाई यहाँ पे स्टेयरकेस हो गई, यहाँ पे बाथरूम डब्ल्यूसी हो गया, यहाँ पे बेडरूम, स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग, बेडरूम हो गया, फिर से यहाँ पे कॉमन एक बाथरूम डब्ल्यूसी आ रहा है, फिर यहाँ पे वरंडा आ रहा है और यहीं से रोड पास हो रहा है और यहाँ पे लिविंग रूम है, तो एंट्री आप यहीं से भी कहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसी के चलते क्या करना होगा कि जो भी सारे एलिमेंट्स है उसको एक इंस्पेक्शन चैम्बर है उससे कनेक्टिंग करना होगा, और उसमें से लेटरल्स पास करने होंगे, और लेटरल से वो सब मेंस से कनेक्टिंग होंगे, और सब मेंस है वो डायरेक्टली मेन सीवर से कनेक्टिंग होंगे या तो फिर मेन होल से कनेक्टिंग होंगे। तो देखते हैं हम पूरी जो सिस्टम है, तो यहाँ पे सीवर लाइन एक रोड पे पास हो रही है, जो भी स्ट्रीट की जितने भी हाउस होल्ड हो गए उसमें से यह कनेक्टिंग होगी। तो जो भी रोड पे आ रही है वो वहीं पे भी एक मेन होल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा हाउस होल्ड है उसका जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे मेन हॉल में आएगा, और मेन हॉल से चलते वो सीवर से कनेक्टिंग होगा। फिर उसके आगे क्या होगा कि एक इंटरसेप्टिंग मेन होल्स होगा, यानी कि जो भी इंस्पेक्शन चैम्बर है उससे आगे ये एक बता सकते हैं कि सब मेन होल्स इसको भी बोल सकते हैं, या तो इंटरसेप्टिंग की भाई इसमें से एक सॉलिड वेस्ट यहाँ पे कलेक्टिंग होगा, और यहाँ से एक लेवल प्रोवाइड किया गया होगा, वो लेवल से जब आगे बढ़ेगा तभी जाके वो मेन होल्स में पास होगा। इसके चलते क्या होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पे चोक ना हो जाए, वो जो भी सीवर लाइन यहाँ पे पास हो रही है वो ज्यादा सॉलिड वेस्ट की वजह से यहाँ पे वो चोक ना हो जाए, वहां पे वो जम ना जाए। इसी के चलते यहाँ पे इंटरसेप्टिंग मेन होल यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। फिर यहाँ पे क्या है कि वेस्ट पाइप, देखो यहाँ पे वेस्ट पाइप है, गली ट्रैप्स है, ठीक है, सीवेज कलेक्टिंग वेस्ट पाइप है यानी कि SWVT। फिर यहाँ पे क्या है, सोइल पाइप भी यहाँ पे दे रखा है। सोइल पाइप किसको बोलते हैं कि जिसमें से वो WC का वेस्ट आ रहा है, वाटर क्लोजेट का जो भी वेस्ट आ रहा है, मान लो कि वो सॉलिड वेस्ट हो गया, वो लेटरिन में से आ रहा है या तो फिर यूरिनल्स में से आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोइल पाइप। और सुलेज पाइप किसको बोलते हैं, तो कि जो भी किचन में से या तो फिर बाथ में से या तो फिर सिंक में से या तो फिर बेसिन्स में से कोई भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो लिक्विड होगा और हाफ लिक्विड होगा और हाफ सॉलिड होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं सुलेज पाइप। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सोइल पाइप में या और सुलेज पाइप में। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो बताया गया है कि भाई यहाँ पे देखो वेस्ट पाइप दिया गया है, फिर यहाँ पे सुलेज सॉरी सीवेज कनेक्टिंग प्लस वेंट पाइप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो किचन होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई सोलिड पाइप सोइल पाइप होगा, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन चेंबर है और एक इंस्पेक्शन चेंबर यहाँ पे कॉर्नर में प्रोवाइड की है, और यहाँ पे एक गली ट्रैप्स प्रोवाइड किया गया है। तो गली ट्रैप्स के चलते यहाँ पे वेस्ट पाइप कनेक्टिंग है, और वेस्ट पाइप डायरेक्टली कनेक्टिंग टू इंटरसेप्टिंग या तो इंस्पेक्शन चेंबर से कनेक्टिंग होगा, और इंस्पेक्शन चेंबर फिर आगे भी यहाँ पे कनेक्टिंग होगा जिसमें से वो सुलेज कलेक्टिंग प्लस वेंट पाइप यहाँ पे कनेक्टिंग है, और सीवर सोइल पाइप है वो डायरेक्टली कनेक्टिंग टू किसे, इंस्पेक्शन चैम्बर से कनेक्टिंग है, और उसमें से जो भी यहाँ पे वरंडा है उसमें से मान लो कि कोई वेस्ट पाइप आ रहा है तो वो भी इंस्पेक्शन चैम्बर से कनेक्टिंग होगा, और इंस्पेक्शन जो भी चैम्बर है उससे आगे का जो भी स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, तो कि इंटरसेप्टिंग मेन होल्स रहेगा। और इंटरसेप्टिंग मेन होल्स में एक लेवल बताया गया होगा कि जो लेवल है वो जब सोइल पाइप में से जो भी वेस्ट आ रहा है और सुलेज पाइप में से जो भी वेस्ट आ रहा है, ठीक है, ये दोनों का वेस्ट जब भी हाफ लिक्विड हो गया या तो फिर हाफ सॉलिड हो गया वो जब एक लेवल क्रॉस करेगा तभी जाके वो पाइप में एंटर होगा, और पाइप में एंटर होकर यहाँ मेन होल्स थ्रू सीवर लाइन में आगे बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक दूसरी बात बताई गई है कि भाई जो ये स्लोप आप प्रोवाइड कर रहे हो ड्रेन का, तो वो स्लोप का एक डायमेंशन दिया गया है कि 1:62 100 होना चाहिए, और जो भी स्केल आप ले रहे हो वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर या तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो भी सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। आगे का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान कैसे रहेगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसका प्लान हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लेआउट भी कैसे बनाना है, वो सारी डिटेल हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप वीडियो ही अच्छी तरह से देख लो, फिर हमारा डाउट सॉल्विंग रहेगा, उसमें जो कोई क्वेरी है तो वहां पे आ जाओ, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।